आज हम बात करें कि इंडस्ट्री कैसे लगानी है, तो सबसे पहले ये सवाल दिमाग में आता है कि हम इंडस्ट्री कितने दिनों में लगा सकते हैं। लोगों ने सालों सोचते रहते हैं, इंडस्ट्री नहीं लगा पाते, और कुछ लोग दो दिन में इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। तो दोनों ही तरीके सही नहीं है। इंडस्ट्री लगाने के लिए अगर आप प्रॉपर स्टडी नहीं करेंगे, प्रॉपर आप थारो नॉलेज नहीं होगी, तो आपका इंडस्ट्री कहीं ना कहीं आपको लगेगा एक समय के बाद कि आपने शायद गलत बिजनेस चूज कर लिया, गलत मशीनरी चूज कर ली, गलत सप्लायर चूज कर लिया, और आप उस टाइम अगर पछताना भी चाहेंगे तो आपके पास वापस जाने का कोई तरीका, कोई रास्ता नहीं होगा। तो एक इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आपके लिए 100 डेज का प्रोग्राम लेके आता है, जो कहता है मिनिमम, जो मैं मिनिमम वर्ड कह रहा हूँ, ये आप बिल्कुल गौर फरमाइएगा, कम से कम आपको 100 दिन चाहिए होते हैं कि इंडस्ट्री को फाइनलाइज करने में। जब आपने ये डिसाइड कर लिया है कि आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, जब आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको मिशन एंटरप्रेन्योरशिप ज्वाइन करना है, जब आपने सोच लिया है कि आपको इस देश को आत्मनिर्भर बनाने में आपको भी अपना को सहयोग देना है, तो कम से कम 100 डेज आपको चाहिए होते हैं कि इंडस्ट्री को स्टार्ट करने के लेवल पे लाने के लिए। और उसके बाद जो भी उसका एक मोनिटोरियम होता है आपको इस्टेब्लिश करने में, रन करने में जो टाइम लगेगा वो उसके अलावा है, लेकिन आप अपने जो है वो प्लान को, अपने बिजनेस प्लान को किस डेट कैसे एग्जीक्यूट करें और कब से शुरू हो आपका बिजनेस की पहली ईंट लगना या पहला फंड रिलीज होना, ये बहुत ज़रूरी है। तो हम 100 डेज के प्रोग्राम में इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आपको बताता है कि आप कम से कम हमारे एंटरप्रेन्योर इंडिया टीवी को देखें, जो हमारा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे 1000 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्रीज हैं, और रोज हर दूसरे या तीसरे दिन हम रिलीज कर रहे हैं नई नई डॉक्यूमेंट्रीज, नए नए बिजनेस आइडियाज। तो अगर आप कम से कम इन डॉक्यूमेंट्रीज को देखना चाहेंगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मिनिमम आपको जो आपके चॉइस की इंडस्ट्रीज हैं उनको सर्च करके देखिए। तो हमने इसके लिए 10 दिन सोचे हैं कि आप 10 दिन कम से कम आप इंडस्ट्री को देखेंगे तो आप ये डिफाइन कर पाएंगे कि आपको किस सेक्टर में जाना है। आपको फूड प्रोसेसिंग में जाना है, आपको वेस्ट मैनेजमेंट जाना है, आपको पैकेजिंग में जाना है, आपको सीमेंट में जाना है, आपको सर्विस इंडस्ट्री में जाना है, आपको स्मॉल बिजनेस में जाना है, कि आपको एक बड़े बिजनेस में जाना है, या आपको किसी स्मॉल या मिड जो है सेगमेंट के बिजनेस में जाना है। आप एटलीस्ट एक बार डॉक्यूमेंट्रीज देखें, क्योंकि इंडस्ट्रीज को आप चलते हुए देखेंगे तो आपको ऑपरेट करते हुए देखेंगे तो उसके टेक्निकल एस्पेक्ट को भी समझ पाएंगे, और 5-7 मिनट की वीडियो से आप इंडस्ट्री तो नहीं लगा सकते, लेकिन एक आइडिया जनरेट कर लेंगे कि आप किस सेक्टर में आपको जाना है। फिर उसके बाद आप हमारी वेबसाइट पर आइए, iid.org.in, जिसमें इंडस्ट्रियल सोल्यूशन एक प्रोग्राम है जहाँ पे हम 26 सेक्टर्स में आपको रजिस्टर्ड करते हैं। ये सारे सेक्टर्स जो हैं वो अलग अलग, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सेक्टर फूड प्रोसेसिंग है, ये सेक्टर एग्रीकल्चर है, ये जो सेक्टर में वेस्ट मैनेजमेंट है, नंबर ऑफ सेक्टर्स हैं 26 सेक्टर में। आप जिस सेक्टर में आपकी इंडस्ट्री या आपका इंटरेस्ट बनता है उस सेक्टर को आप सेलेक्ट करके ये इंडस्ट्रियल सोल्यूशन प्रोग्राम में आप मेम्बर बने। इसके बाद आप इस सेक्टर्स में देखेंगे तो आप इनकी डॉक्यूमेंट्रीज पाएंगे, और डिटेल डॉक्यूमेंट्रीज आप हो सकता पाएंगे यहाँ पे, या वही डॉक्यूमेंट्रीज आप जो है वो यहाँ पे देख पाएंगे, आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स यहाँ पे पाएंगे, यहाँ पे आप सप्लायर की टॉक पाएंगे, तो आप इस इंडस्ट्री को और एक्सप्लोर कर पाएंगे, अपने आइडिया को एक सेक्टर में जो है वो कन्फाइन कर पाएंगे, और उसके बाद उस सेक्टर में आप किस इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं ये आप क्लोज कर पाएंगे। तो एटलीस्ट आपको 20 दिन इसमें लग जाएंगे, जो आप इंडस्ट्री को एटलीस्ट आप किस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए जाएं, किस सप्लायर से बात करें, किस रॉ मटेरियल या फिनिश प्रोडक्ट को आप सर्च करें, उसकी मार्केट देखें, ये क्लोज कर लें। फिर हमारा एक पूरा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है। जब आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहें तो ज़रूरी है कि आप इस प्रोग्राम को पूरा देखें। ये पूरा प्रोग्राम जो है वो 60 घंटे का प्रोग्राम है, वर्चुअल प्रोग्राम है। इसमें आपको बिजनेस आइडिया जनरेशन से लेकर बिजनेस के बेसिक रजिस्ट्रेशन, इनकम टैक्स, GST, कंप्लाइंसेस, मार्केटिंग, सारा कुछ आपको मिलेगा, बैंकिंग, जिससे कि आप एटलीस्ट समझ पाएं कि बिजनेस करने जा रहे हैं तो बिजनेस की कोर नॉलेज क्या है। आपको ये बहुत ज़रूरी है, और ये प्रोग्राम आपको साल भर अवेलेबल रहेगा, लेकिन मिनिमम आप 10 दिन देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो आप करने जा रहे हैं उसकी एक बेसिक नॉलेज आपके पास पहले से आ जाएगी, तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अगर आपने मान लिया फूड प्रोसेसिंग में आपने ये सेलेक्ट कर लिया कि आपको
जो है वो टोफू मिल्क की इंडस्ट्री में जाना है, या आपको बेकरी में जाना है, या आपको मशरूम में जाना है, तो अब आप उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट को डाउनलोड करें और स्टडी करें और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी उस अपने जो है वो अवेलेबल रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग, जैसे किसी के पास अपना जो है वो जगह हो सकती है, किसी को जगह रेंट पे लेनी है, किसी के पास कुछ जो है फंड ज़्यादा हो सकता है, उसको बैंक से थोड़ी सपोर्ट चाहिए, किसी को पास फंड कम अवेलेबल है, उसको बैंक से पूरी सपोर्ट चाहिए, किसी को बैंक से सब्सिडी भी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने बिजनेस प्लान को ड्रॉ करें और आपको वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो प्रोटोटाइप प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो आपको बहुत हेल्प करेगी। तो एक बार आप और जो है वो उसको फाइन ट्यून कर पाएंगे कि हाँ ठीक है, ये बिजनेस कि ये इंडस्ट्री के इस मॉडल में हम जा सकते हैं। उसके बाद आप एटलीस्ट साथ में स्टार्ट कर सकते हैं कि आप अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड कराएं, जो भी रजिस्ट्रेशन चाहिए, जैसे आप अगर पार्टनरशिप फर्म बनाना चाहते हैं, कंपनी बनाना चाहते हैं, प्रोप्राइटरशिप बनाना चाहते हैं, HUF में काम करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं वो, और जो भी आपके बिजनेस रजिस्ट्रेशन GST है, उद्यम है, आपके पास अगर फूड का कोई काम करना चाह रहे हैं, FSI है, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना है, अगर आप ट्रेडमार्क कराना चाहते हैं, आप कुछ भी कराना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी है जब आप बिजनेस इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं तो साथ साथ में प्रोसीजर को भी इस्टेब्लिश करें। फिर आपके पास एक प्रोटोटाइप और बिजनेस प्लान अपने अकॉर्डिंग आपने बना लिया है आपके पास, क्योंकि प्रोटोटाइप प्रोजेक्ट रिपोर्ट थी, तो उसके बाद फिर आप जाएं जो है एक्सपर्ट और सप्लायर से बात करें, जो इंडस्ट्री की जो हम प्रोवाइड करते हैं, जिनकी लिस्ट हम आपको देते हैं, जिनसे आपको कनेक्ट कराते हैं, उन एक्सपर्ट से आप ज़्यादा बात कर पाएंगे, क्योंकि आपने उसका वीडियो भी देखा है, आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी देखी और अपने अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन फ्रेम किए हैं, आपने बिजनेस प्लान को स्टडी किया है, तो वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा। तो ये आप जो है वो फिर आप एक्सपर्ट से सप्लायर से मीटिंग कर सकते हैं। इसके बाद आप जो है वो कस्टमाइज प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाएं, जो इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी आपकी हेल्प करता है, कहीं पे भी कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके अकॉर्डिंग ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकता है, क्योंकि आपके पास कस्टमाइज प्रोजेक्ट रिपोर्ट होगी, सप्लायर का कोटेशन होगा, वो एक्सपर्ट की आपके पास नॉलेज या उसका कनेक्ट होगा, तो आप उनसे डिस्कस करके कस्टमाइज प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमसे ही बनवा सकते हैं, या आप अपने जो है वो जो भी एक्सपर्ट है उससे बना सकते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसेस जो है वो आपको एटलीस्ट जो है वो चाहिए ही चाहिए होता है, 100 दिन जिसको हमने कहा है। बहुत सारे चीज़ें आप ओवरलैपिंग भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको कहीं पे कम समय लगेगा, कहीं पे ज़्यादा लगेगा, और मिनिमम आप 100 डेज के प्रोग्राम के साथ अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए आपको उससे पहले ये टाइम चाहिए। फिर जब आप कस्टमाइज प्रोजेक्ट रिपोर्ट ले लेंगे तब आप किसी बैंक में जाएंगे, एक बैंक अपना रीजनेबल टाइम लेता है जो 1 महीने से 2 महीने तक हो सकता है, जब आपके पास फंडिंग अरेंज हो जाए तो उन्हीं सप्लायर जिनके आपने कोटेशन लिए हैं, एक्सपर्ट्स, उन्हीं कंसल्टेंट्स जिनसे आपने बाकी चीज़ें जानकारियां ली हैं, उनसे बात करके आप ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं, आप जाके और फाइन ट्यून ऑर्डर्स कर सकते हैं, और लोगों से भी डिस्कस कर सकते हैं, और उसके बाद आप अपने जो है वो जहाँ पे भी आपने जगह ली है वहाँ का लेआउट, वहाँ के बिजनेस जो भी मशीन इस्टेब्लिश करनी है उसका प्लांट लेआउट, और आप सारे अप्रूवल के साथ अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। उसके बाद आप जब बिजनेस करने लगते हैं तो हमारा बिजनेस पाठशाला प्रोग्राम है जो आप हर मंडे टू फ्राइडे होता है, जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को बिजनेस रिलेटेड, वो टैक्सेशन से हो सकती हैं, वो रजिस्ट्रेशन से हो सकती हैं, वो कंप्लायंसेस से हो सकती हैं, वो अकाउंटिंग रिलेटेड हो सकती हैं, वो बैंक से रिलेटेड हो सकती हैं, वो डिजिटल मार्केटिंग या किसी मार्केटिंग प्रोडक्ट को किर से संबंधित हो सकती है, तो आप हमारे एक्सपर्ट से आके बात कर सकते हैं। डेली हम बिजनेस पाठशाला लगाते हैं जहाँ पे आप हमारा एक्सपर्ट जूम के थ्रू जुड़ता है और आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आपका बिजनेस स्टैब्लिश हो जाता है, रन करने लगता है, तो भी आप स्टडी करना ना रोके, हमारे बहुत सारे टेक्निकल और प्रोफेशनल और इंडस्ट्रियल प्रोग्राम्स हैं जिनको आप ज्वाइन करके और अपने आप को नर्चर कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, जिससे आप अपने बिजनेस को आपको और स्मूथली रन करने में, ग्रो करने में, ऑपरेट करने में आपको मदद मिलेगी। तो इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आपके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोग्राम लेके आता है, जहाँ पे आप अपने आइडिया को जो है वो ज़्यादा बेहतर ढंग से नर्चर कर सकते हैं। कतई कोशिश मत करिए 2 दिन में बिजनेस शुरू करने की, कोई भी बिजनेस 2 या 4 दिन में नहीं शुरू किया जा सकता, कोई जल्दबाजी नहीं करिए। 17-18 साल लगा देते हैं अपने करियर को इस्टेब्लिश करने में, पढ़ने में, फिर जाके हम किसी एग्ज़ाम या में इंटरव्यू में जाते हैं, लेकिन बिजनेस हम 2 दिन में या 4 दिन में या 1 महीने में करना चाहते हैं, ये कतई संभव नहीं है। आप प्रॉपरली हमसे या कहीं से भी आप नॉलेज लें तो पूरा टाइम दें, आप 3 महीने
से लेके 6 महीने तक के अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करने से पहले, क्योंकि आप ज़्यादातर बिजनेस फेल होते हैं क्योंकि वो शायद प्रॉपर रिसर्च नहीं करते, प्रॉपर जो है वो चीज़ों को एनालिसिस नहीं करते, प्रॉपर बिजनेस प्लान नहीं बनाते और जाके जल्दबाजी में बिजनेस एस्टेब्लिश कर देते हैं कि उनको कहीं से उनका पैसा है उनके पास या कोई बैंक सपोर्ट कर रहा है, तो किसी भी बिजनेस में जाके बिजनेस को एस्टेब्लिश कर देते हैं और जो कहीं ना कहीं आगे जाके फेल होने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो आप ज़रूर जो है वो पूरा टाइम दें बिजनेस को। ये छोटा सा हमने 100 डेज का प्रोग्राम आपको बताया, या आप कोई जो है वो ऐसा सर्टिफाइड प्रोग्राम ये है जिसमें आप इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई से एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का सर्टिफिकेट भी पा सकते हैं। और सर्टिफिकेट पर मत जाइए, नॉलेज पर जाइए। आप नॉलेज के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो आपको जरूर जो है वो बिजनेस में सफलता मिलेगी। हम आपके साथ हैं, हर कदम पे आपके साथ हैं, हमारी टीम आपके साथ है, हमारे एक्सपर्ट, हमारे सप्लायर, हमारी पूरी की पूरी जो एक हम लोगों ने इकोसिस्टम बना रखा है वो सारा कुछ आपको सपोर्ट देने के लिए तैयार है। ये अपने आप में यूनिक है, ये अपने आप में बिल्कुल अनोखा है, लेकिन ये ज़रूरी है आज की डेट में हमारे जो है वो मिशन आत्मनिर्भर भारत के लिए, मिशन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, आपके लिए और हम के हमारे लिए, इस देश के लिए, कि हम ऐसा कोई सिस्टम बनाए जहाँ पे कंप्लीट सोल्यूशन एक एंटरप्रेन्योर को मिल सके और जहाँ पे उसके फेल होने के चांसेस बहुत कम रहे और वो आगे बढ़ता रहे, ग्रो करता रहे, उसके नए नए आयाम को देता रहे और वो एक बिजनेस हाउस की तरह इस्टेब्लिश हो सके जो जनरेशन के लिए हो, जो उसके परिवार के पीढ़ी से दर पीढ़ी तक वो बढ़ता रहे। एक ऐसा बिजनेस हाउस एस्टैब्लिश करके जाए, एक ऐसा अपने परिवार को एक ऐसा रिसोर्स देके जाए जो हमेशा के लिए उसके पास रहे और इस देश को एक ऐसा स्तंभ देके जाए जो न केवल इस देश की जीडीपी बढ़ाने में सहायक हो, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार जनरेट करने में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में जो है वो ये सहयोग दे।